हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबके फिर से MGY चैनल। तो आज मैं लेकर के आया हूँ आप सबके लिए ओप्पो का इन्फो बल्ब्स का फुल रिव्यू। पर उससे पहले करेंगे इसकी एक छोटी सी अनबॉक्सिंग, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ। करते हैं आपको इनके बाद की बिल्ड क्वालिटी और लुक्स एंड फिनिश की बात। तो ये पूरी की पूरी प्रोडक्ट जो हमको देखने को मिलते हैं वो प्लास्टिक की बनी हुई है। केस और हेडफोन दोनों ही प्लास्टिक का बना हुआ है, पर प्लास्टिक होने के बावजूद ये दिखने में जो है काफ़ी क्लासी लगती है। और एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये प्लास्टिक जो है क्वालिटी वाइज उतना अच्छा है नहीं। तो अगर आप इसको गिरा देते हो, सपोज से वेस्ट हाइट से आप गिरा देते हो उसको, तो ये टूट सकती है। तो उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसे पहन के दिखने में कैसे लगते हैं उसका भी मैं एक आपको छोटा सा नमूना दिखा देता हूँ। वैसे अपन का थोड़ा तो है ही खराब, पर फिर भी पहन के आपको दिखा देता हूँ कि ये आपको कैसा दिखेगा। अब बात करते हैं इसकी कंट्रोल्स और साउंड क्वालिटी को लेकर। ये वाले बल्ब को आप कोई भी ऐप से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो कंट्रोल्स जो भी है आपको मैनुअली करना होगा बल्ब को टच करके, क्योंकि ये बल्ब जो है टच सेंसिटिव है। कंट्रोल्स कैसे काम करती है, आपको अगर म्यूजिक या वीडियो पॉज करनी हो तो लेफ्ट या राइट दोनों में से कोई भी एक बटन में सिंगल टैप करेंगे तो पॉज हो जाएगी आपकी कॉन्टेंट, और फिर से टैप करेंगे तो प्ले हो जाएगी। राइट वाले बल्ब पर अगर आप दो टैप करते हो तो नेक्स्ट ट्रैक प्ले होगी, और लेफ्ट वाले पे दो टैप करेंगे तो प्रीवियस ट्रैक पे होगी। दोनों बल्ब में किसी भी एक में अगर आप ट्रिपल टैप करते हो तो आपका जो है गेम मोड ऑन हो जाएगा, और ट्रिपल टैप फिर से करने से गेम मोड ऑफ हो जाएगा। गेम मोड क्लैरिटी कैसा है वो आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद विद लाइट प्रूफ BGMI ओपन करके। पर उससे पहले बात करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी को लेकर। साउंड क्वालिटी को मैं एक वर्ड में कहूँगा कि अबव एवरेज। एक वर्ड तो नहीं हुआ, दो वर्ड हो गए, चलिए कोई नहीं, अबव एवरेज इसकी साउंड क्वालिटी है। बेस काफ़ी ठीक ठाक है, ना ही ज़्यादा हाई है ना ही लो है, और इसकी साउंड का जो वोकल्स है हाई और मिड्स और लो एंड वो भी काफ़ी अच्छे हैं। पर इसका ट्रेबल मुझे कुछ ज़्यादा ही बूस्टेड लगा। तो अगर आप ट्रेबल के पसंदीदा है तो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर अगर आपको ट्रेबल का शौक नहीं है ना तो ये शायद आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। स्पेशली अगर आप गेम खेल रहे हैं उसको लेकर के, तो क्या है कि अगर जब आप फायरिंग करोगे तो फायर का साउंड क्या है आपको बेस के साथ अच्छा लगता है। फायरिंग में अगर आपको ट्रेबल का साउंड ज़्यादा मिल गया तो वो थोड़ा और लगता है, तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी अगर आप ये लेने का सोच रहे हो। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जैसे कि मैंने कहा कि ये अबव एवरेज है, मैंने इसको परचेस किया था 1150 रुपीज़ में। तो उस हिसाब से मुझे ये अगर मुझे रेटिंग देना हो साउंड क्वालिटी को तो मैं 8/10 की दूंगा। ट्रिपल की वजह से 2 माइनस कर रहा हूँ, वरना साउंड क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी है। बात करते हैं इसकी गेम मोड को लेकर के, तो चलिए ओपन करते हैं BGMI, आपको दिखाते हैं कि लेटेंसी कितना होता है विदाउट गेम मोड और विद गेम मोड।
बात किया जाए इसकी माइक क्वालिटी की, तो अभी जो आप सुन रहे हो ये वाला पोर्शन, ये इनकोबल्स के इनबिल्ट माइक से रिकॉर्ड की गई साउंड है। तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इसका साउंड क्वालिटी माइक क्वालिटी का साउंड कैसा है और बैकग्राउंड नॉइज वगैरह ये कैसे ले रहा है, तो आपको समझ में आ गया होगा। फाइनली इसकी बैटरी लाइफ की बात किया जाए तो आपको करीब 7 आवर्स तक का नॉन स्टॉप यूजेज मिल जाएगा और केस को मिलाकर आपको 20 आवर्स का प्लेबैक मिल जाएगा। और इसमें जो है आपको टाइप सी का पोर्ट देखने को मिलता है, तो आपके फ़ोन का चार्जर यूज़ करके आप इसको चार्ज कर पाओगे। और ये बल्ब जो है IP58 सर्टिफाइड है, तो थोड़ी बहुत बारिश तो ये झेल लेगा। कंक्लूजन में कहा जाए तो मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले कहा कि मैंने इसको लिए पे किया है 1150 रुपीज़, उस हिसाब से देखा जाए तो मैं इसकी साउंड क्वालिटी और बाकी सब कुछ मिला के इसको 7 out of 10 की रेटिंग दूंगा, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी है। वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना और गाइस सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना, क्योंकि इस चैनल को अभी 5K सब्सक्राइबर्स जल्दी से होने वाले हैं, तो इस साल को पूरा होने से पहले मतलब 2022 आने से पहले 5K सब्सक्राइबर्स करवा दो गाइस, मेरा दिल बहुत खुश हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और जैसे कि मैंने कहा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाते रहता हूँ। और ये चैनल बनी है गेमिंग के ऊपर, तो गेमिंग कंटेंट्स भी आते रहेंगे, स्पेशली BGMI हमारे पास तो अभी डिवाइस भी आ चुके हैं, ROG 5 है, iPhone 11 है, iPad mini 6 है, Poco X3 Pro है, तो भाई गेमिंग कॉन्टेंट तो भर भर के आएंगी, बस BGMI में थोड़ी सी एकर कम हो जाए क्योंकि अभी तो भाई उन लोगों का इराज चल रहा है। चलिए कोई नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।